ઉમરગામના સરગામ ખાતે આવેલ કેડીબી હાઈસ્કૂલમાં ભારતીય માનવ અધિકાર એસોસિએશન અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાલીઓને કુદરતી દુર્ઘટના તેમજ અકસ્માત જેવી ઘટનાઓમાં સાવચેતી કેવી રીતે અને બચાવ કામગીરી કેવી રીતે કરવી તેનું માર્ગદર્શન ડેમોન્સ્ટ્રેશન દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં એનડીઆરએફના પીઆઈ અરૂણકુમાર તથા પીએસઆઈ મહેન્દ્ર છાકરે તેમજ ભીલા પોલીસ મથકના પીએસઆઈ આર એન મકવાણા અને પીએસઆઈ મિયાત્રા તેમજ ભારતીય માનવ અધિકારી એસોસિએશનના પ્રદેશ પ્રમુખ વિનોદસિંહ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. की जो टीम यहाँ पे आई हुई थी, यहाँ पे एक रियासत छोटी सी हुई थी जो कि इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है. तो उसी दौरान हम जन जागरूकता अभियान फैलाने, जब कोई डिजास्टर आता है तो लोगों को कैसे फंसा खुद को बचाना है और उसको कैसे सेटल करके तुरंत आगे कार्रवाई करनी है, इसी रिगार्डिंग कोई जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए 06 बटालियन एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया था. और हमारे विनोद जी हैं ह्यूमन राइट्स और हमारे पीएस के मकवाना जी की सहायता से हम लोगों ने एक जन जागरूकता अभियान फैलाया अरेंज किया, जिसमें हम लोगों को डिजास्टर में फर्स्ट एक्शन में क्या करना है इसके बारे में बताया. अच्छा सर, ये बच्चे लोगों को आपने इतना बताया, आप लोगों को कैसा लगा बता के? काफी खुशी होती है जब हम किसी को बताते हैं. और हमारी ऑब्जेक्टिव ये होती है कि बच्चे सीखें, थोड़ा सा सीखें, थोड़ा कल सीखें और ज्यादा ज्यादा सीख के हमारे देश की ताकत बने, इसलिए हम ये अभियान चलाए. जी जी सर, बिलाड में आप पीएसआई के पद पे हो सर, तो सर विनोद जी आप अपना बताइए. ह्यूमन राइट्स की तरफ से आपने ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम करवाया तो आपको कैसा लगा और आगे और क्या आप इसके लिए करना चाहोगे एनडीआरएफ के साथ कोई प्रोग्राम? ये सरीगांव का एक बहुत ही बड़ा अच्छा काम रहा कि जो सरीगांव में एनडीआरएफ की टीम आई और यहाँ पे एक कंपनी है जिसमें एक कोरोमंडल कंपनी जिसमें कुछ कैजुअल्टी हुई थी, आग लगा था उसमें, ये लोग ने यहाँ पे आके वहाँ पे यहाँ पे ये किया कि है कि नहीं है उसका, और हम लोगों ने उनके साथ एक जागरूकता प्रोग्राम किया है जो यहाँ बच्चों और पेरेंट्स को केडीबी स्कूल में बच्चों और पेरेंट्स को एक जागरूकता अभियान के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया है कि अगर ऐसा कुछ ग्रेजुएटी होता है उसके लिए कैसे आगे हम लोग अपना सेफ्टी कर सकते हैं और परिवार का सेफ्टी कर सकते हैं. चलिए, मुझे काफी बच्चे लोग ने आप लोग का प्रोग्राम पसंद किया, अब आगे ऐसा होगा कि आप लोग कोई बड़े लोगों को भी ऐसा कोई प्रोग्राम में जागरूक करें ये उम्मीद रखते हैं. जी जरूर, हम लोग अब आगे भी कोई ऐसा रहेगा प्रोग्राम, ऐसा मौका मिला तो आगे नेक्स्ट हम यहाँ के ग्रामवासियों के साथ एक नेक्स्ट प्रोग्राम भी करेंगे.